लो बताओ बच्चों, क्या वो शहजादी इस घर में आएगी, मेरे साथ खाना पकाएगी, मेरे साथ रोटी पकाएगी, करेगी मेरे साथ? अरे बात तो सुनो, वो मस्त शहजादी है शहजादी, वो भला ये सब काम क्यों करेगी? वैसे भी शादी के बाद मुझे रहने के लिए महल मिलेगा, फिर सारे नौकर होंगे, पता है आपको काम करने की भी जरूरत नहीं है, वही सारे काम करेंगे, बस आप बैठ के मजे से आराम करना। अम्मी ने ना मुझसे दही बनवाया तो वो मैं लेने जा रहा हूँ, बाय सुल्तान, फिर मुलाकात होगी, बाय। कितना अच्छा बच्चा है और अपनी अम्मा का कितना ख्याल रखता है, और ये है शहजादी नौरी। ना दोस्तों, मैं महल जाऊंगा और शहजादी से जरूर मिलूंगा, और आप लोग जरा खामोशी से प्ले भी तो देखें, सही है, मेरी मदद करेंगे ना आप लोग? आपको समझे और सुनेंगे, ठीक है? मैं जब तक आता हूँ। इतने सारे शहजादी शहजादियां हैं, लेकिन मेरी शहजादी वो रही। कैसी हैं आप? क्या है वजीर जहांगीर, क्यों इस तरह आवाजें लगा रहे हो? एक तो मैं जब भी इस महल में आता हूँ एक उदासी सी छाई रहती है। कहाँ थी आप? आपको इससे मतलब, आप एक वजीर हैं और बस। ये तो बस चंद दिनों की बात है शहजादी, देखिएगा जब आपकी और मेरी शादी हो जाएगी तो आप और ये पूरी सल्तनत और ये पूरी दुनिया तो नहीं, ये पूरा मुल्क मेरा हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सब कुछ पहले से है, बस चंद दिनों में। चंद दिन पॉलिटिक्स में भी बहुत होते हैं, हालात कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। मुझे सब पता है, मेरा प्लान एकदम कामयाब है। और फिर आप इतना नाराज क्यों होती हैं शहजादी? सोचें, जब आपकी मेरी शादी होगी तो हम दोनों मिलकर इस सल्तनत पर राज करेंगे। राज शहजादी साहब आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे, मैं एक अमीर इंसान हूँ और काफी हैंडसम भी। पहले तो जाके दांत ब्रश कर लिया और कपड़े तो देखो पहनने का ढंग ही नहीं है। शादी नहीं करनी तो ठीक है, लेकिन मेरी इतनी इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मुझे शहजादी से शादी करने के लिए तुम जैसी चुड़ैल की जरूरत नहीं है। थैंक यू वजीर जहांगीर, अब आप यहाँ से जा सकते हैं और आइंदा मुझे आवाज़ नहीं लगाइएगा। ठीक है, आइंदा डायरेक्ट आ जाऊंगा, आवाज लगाए बगैर। ओके, मैं इन सब बच्चों को और आपको 3 दिन के अंदर इस पूरी सल्तनत का बादशाह बनकर दिखाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। मुझे तो समझ नहीं आता इस कदर सेल्फ इंडल्ज इंसान किसी और को कैसे खुश रख सकता है। शहजादी साहिबा, आपको ना वजीर को इस तरह गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, वो हमारी जिंदगी मुश्किल बना सकता है। मेरी जिंदगी तो वैसे भी बहुत मुश्किल है शहजादी, तो मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं, मैं रॉयल बुक क्लब से कोई किताब तक इशू नहीं करवा सकती। तो आप क्या समझती हैं, जब आप इस मुल्क की मलिका बन जाएंगी तो क्या सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकेंगी? ऐसा नहीं होता। अरे तो देखना, जब मैं रूल करूंगी ना, मैं हर तरफ रोजेस,
लिए मुझे पहले इस वजीर को हराना पड़ेगा। अच्छा ना, आप इन सब बारे में बाद में सोचते। मेरे को प्लान से वो बहुत अच्छा गाना गाती और डांस भी करती, तो उनको बुला के ला। हाँ, बड़ा मजा आएगा। ओके, आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ओके।